औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। मैं रफाका यूनस, IRD सर्विसेज में खुश आमदीद। आज मैं आपके लिए एक नई वीडियो लेके आया हूँ। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में बहुत ही अच्छी जॉब्स की अनाउंसमेंट हो गई है। इन जॉब्स के लिए कैसे अप्लाई करना है, कौन कौन सी सीट्स हैं, आप किस तरह अप्लाई कर सकते हैं, वो सब कुछ मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगा। तो चलें हम अब अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल IRD सर्विसेज को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन के बटन को भी दबा दें ताकि आपको हमारी हर नई आने वाली वीडियो की अपडेट मिलती रहे। तो चलें अब हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जॉब्स के लिए आपको जाना है गूगल में। गूगल में जाकर आपने लिखना है CTTI। जब इस पर आप सर्च करेंगे तो एक नया पेज ओपन हो जाएगा। यह लिखा रहा है CTTI एक्सीलेंस। इस पर आपने करना है क्लिक। इस पर करेंगे तो एक नया पेज ओपन हो जाएगा। तो ये नया पेज ओपन हो गया है। इसमें आपने ये नीचे आपको नज़र आ रहा है जॉब अपॉर्चुनिटी एट CTTI, इस पर आपने क्लिक करना है। इस पर क्लिक करेंगे तो ये एक नया पेज हो गया है। यहाँ पे जॉब की एडवर्टाइजमेंट आ गई है। ये उर्दू में भी है और इंग्लिश में भी है, आप जिस तरह मर्जी रीड कर सकते हैं। तो इसमें हम देख लेते हैं सबसे पहले कौन सी पोस्ट है। इंस्ट्रक्टर मैकेनिकल डिपार्टमेंट की पोस्ट है। एक पोस्ट है मैकेनिकल MSc मैकेनिकल इंजीनियरिंग। इसकी क्वालिफिकेशन चाहिए 45 ईयर, इसकी एज लिमिट है 7 ईयर, इन रिलेटिव फील्ड एक्सपीरियंस होना चाहिए। नंबर दो पे इंस्ट्रक्टर ICT डिपार्टमेंट की जॉब है, एक सीट है। इसके लिए क्वालिफिकेशन मास्टर इन IT होना चाहिए सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में, 45 ईयर एज लिमिट और 7 ईयर एक्सपीरियंस होना चाहिए। फिर आ गया था इंस्ट्रक्टर इंग्लिश की पोस्ट है। इसके लिए हमें इंग्लिश चाहिए, एक सीट है, 40 ईयर एज लिमिट और 5 ईयर एक्सपीरियंस होना चाहिए। इंस्ट्रक्टर मैथमेटिक्स की एक सीट है, MSc क्वालिफिकेशन है, 40 ईयर एज लिमिट और 5 ईयर एक्सपीरियंस होना चाहिए। जूनियर इंस्ट्रक्टर ICT डिपार्टमेंट की पोस्ट है, दो पोस्ट है। इसके लिए क्वालिफिकेशन BS BCS सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग होना चाहिए और 35 ईयर एज लिमिट है, 5 ईयर एक्सपीरियंस होना चाहिए। फिर नंबर 6 पे आया था ट्रेड इंस्ट्रक्टर मैकेनिकल। इसके लिए DE मैकेनिकल ट्रेड सर्टिफिकेट होना चाहिए, 35 ईयर एज लिमिट है और 3 ईयर एक्सपीरियंस होना चाहिए। नंबर 7 पे ट्रेड इंस्ट्रक्टर सिविल की पोस्ट है, DAE सिविल और ट्रेड सर्टिफिकेट होना चाहिए, 35 ईयर एज लिमिट है और 3 ईयर एक्सपीरियंस होना चाहिए। नंबर 8 पे जूनियर रिसर्च ऑफिसर की पोस्ट है, इसके लिए BSc चाहिए, 35 ईयर एज लिमिट है, 3 ईयर एक्सपीरियंस होना चाहिए। लैब असिस्टेंट की पोस्ट है, एक पोस्ट है। इसके लिए BSc फिजिक्स चाहिए आपको, 35 ईयर एज लिमिट है, 2 ईयर इन रिलेटिव फील्ड एक्सपीरियंस होना चाहिए। नंबर 10 पे प्लम्बर की पोस्ट है, एक पोस्ट है। जॉब नॉलेज डिप्लोमा होल्डर विल बी प्रेफर्ड और इसके लिए एज लिमिट 30 ईयर है और 2 ईयर एक्सपीरियंस होना चाहिए, 2 ईयर एक्सपीरियंस होना चाहिए। माली है, एक सीट है। जॉब नॉलेज होना चाहिए, 30 ईयर एज लिमिट है और 2 ईयर एक्सपीरियंस होना चाहिए। इसके लिए आपने जो अपनी CV है वो इस ईमेल एड्रेस पे info@cttidu.pk पे सेंड कर देनी है। इसका लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। और 10 अगस्त से पहले पहले आपने लाजमी अप्लाई कर देना है। और इस दफ़ा इशरायत जो है उर्दू में भी दे लेते हैं। दरख्वास्त CV बजरिया ईमेल इस एड्रेस पे आपने भेज देना है। दरख्वास्त जमा करवाने की आखिरी 10 अगस्त 2020 है। तरीक के बाद कोई भी दरख्वास्त मसूल नहीं की जाएगी, सिर्फ शार्ट लिस्टेड को ही इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। बुलाए जाने वाले इंटरव्यू के लिए अपने असली सर्टिफिकेट साथ लेके आएंगे। इंटरव्यू के लिए कोई TA DA नहीं दिया जाएगा। तो ये था सारा तरीकाकार से इस जॉब्स के लिए अप्लाई करने के लिए जो मैंने आपको बता दिया। उम्मीद है आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो दोस्तों के साथ भी शेयर करें। तो मिलते हैं अपनी एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।